SA24 Live Review। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर कोटी गांव में एक छोटी गंगा नदी में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान जनार्दन शाह के 25 वर्षीय पुत्र जितेंद्र शाह के तौर पर की गई है। घटनास्थल पर ग्रामीणों ने डूबता हुआ युवक को देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को गंगा नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया और छानबीन में जुट गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि युवक घर का इकलौता बेटा था। इसके पिता की भी मृत्यु तब हो गई थी जब जितेंद्र के 3 साल के ही थे। घर का इकलौता बेटा होने पर मृतक युवक जितेंद्र कुमार के द्वारा ही घर के लोगों का भरण पोषण होता था। इनकी शादी 2 साल पूर्व हुई थी। इनकी पत्नी रेखा देवी 7 माह की गर्भवती है। अब इनका घर का भरण पोषण कैसे होगा, ऐसे में गांव के लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की पूरी रिपोर्ट। पानी में चले जाने से उनकी मृत्यु हो गई। जो मृतक था उसका नाम सिकंदर कुमार शाह था। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय जनार्दन शाह था, जो कि उनके पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। वो विवाहित था और उनको अभी एक भी लड़का बच्चा नहीं था। उनकी वाइफ को डिलीवरी है। कब हुई थी इनकी शादी? इनके शादी 1 साल पहले हुई थी। तो अभी डिलीवरी में है और इनकी माँ जो है मजदूरी करने के लिए खेत गई थी, वो वहाँ से आई है अभी। उसके बाद हम लोग लाश को ग्रामीणों के द्वारा उसको निकाल के लाए। उसके बाद प्रशासन को, थाना प्रभारी को फोन किए, सब थाना प्रभारी पहुँचे, FIR दर्ज करके UD दर्ज किए और हम लोग फिर अभी लाश को जो है पोस्टमार्टम हेतु हम लोग भागलपुर भेजे। इनके परिवार में और कौन कौन से हैं? पिताजी तो इनके डेथ कर गए। इनके परिवार में माता जी हैं और इनके एक बहन है। जो बहन हुआ ससुराल में है, उनकी शादी हो गई है। भाई में सिकंदर कुमार शाह अकेले ही थे, जो कमाने वाले यही थे और घर का मुख्य जिपको पार्जक थे और प्योर मजदूर थे। मेरा नाम अशोक शाह है, मैं यहीं के ग्रामीण हूँ और ग्रामीण अध्यक्ष भी हूँ। हमारे गाँव के ही लड़का था।